जिला प्रशासन सत्ता पार्टी के दबाव में हमारा मकान तोड़ने पे आमादा है। हमें जानकारी है, मिली है कि अब दोबारा फिर टीम जाएगी। अभी पूरे दिन, कल टीम ने सुबह से शाम तक कोई निशान मिला नहीं है। जो सैटेलाइट का नक्शा बना है वो नक्शा गलत है और उसी नक्शे के आधार पर मकान को तोड़ने पर जिला प्रशासन आमादा है। हमारा कहना है, मांग भी हमारी, पहले नक्शे का सुधार करें। सुधार के बाद, वैसे तो मैंने सभी रजिस्ट्री कराई है, हमने मुफ्त में किसी की ज़मीन ली नहीं है, लेकिन अगर किसी ने गलत की होगी तो हमें नोटिस दें। हम अपने स्वयं तोड़ दिया, अपने हाथ से तोड़ लेंगे अगर बना है। वैसे हमें 100% हमें विश्वास है कि हमने 1 इंच भी नहीं ली है और हमारा स्वयं का जो ज़मीन खरीदी है उसमें 4 रुपया ज़मीन हमारी कम हो रही है। स्थानीय विधायक दुश्मनी जैसा बर्ताव कर रहा है, चुन चुन के हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे जेल में डलवा रहा है और अब हमारा मकान तोड़कर अपमानित करने का काम कर रहा है। विधायक जो स्थान लाल का विधायक है, उनके पिताजी के नाम का जो मकान बना है वो करीब 80 से 90% अर्थों में शासकीय भूमि में बना है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। जिला प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और लाहौर में तो हमारा अनुमान है कि 40% बस्ती लाहौर की शासकीय अतिक्रमण ग्राम में बनी हुई है। वार्ड नंबर 14-15 तो करीब 80% बस्ती शासकीय भूमि में बनी हुई है।